वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल अगेन। कैसे सब लोग, बढ़िया होंगे सब। सो गाइस, इतनी वेट के बाद आखिरकार वो दिन आ गया। फाइनली अपनी गाड़ी को रैप करवा रहे हैं। रैप का मेरा ख्याल है पूरा रैप करने का था, पर मैंने ओपिनियन लिया था मेरे दोस्तों से भी और मेरे घर वालों से, मम्मी को पूछा था मैंने, तो कह रहे पूरा रैप तो अच्छा नहीं लगेगा फिलहाल के लिए। तो मैं ये सोच रहा था कि गाड़ी जो है उसे हाफ रैप कराओ, जैसे कि आपको बोला था मैंने, आधा रैप मतलब लाइक वाइज डुअल टोन जैसी लगेगी। जो डुअल टोन गाड़ी आती है, जैसे कि मेरी गाड़ी का पूरा रेड कलर है, तो इसमें क्या होगा, मैं सोच रहा हूँ पहले रूफ ब्लैक करा के देखूं वो जैसा भी लगता है, उसके बाद वो अच्छा नहीं लगता है तो फिर पिलर्स तक भी ब्लैक करा के देखेंगे। ज्यादा गर्मी हो रही है उस रैप वाले स्टोर पे, अभी भोलू खड़ा है बहुत देर से, एक घंटा मैं कुछ काम में फंस गया था, इसी वजह से लेट हो गया। भोलू बहुत परेशान हो रहा, गुस्सा हो गया, सॉरी भोलू। और देखो भाई इतनी ज्यादा गर्मी है आज, मैं सोचा आगे से टेंट करा लो भाई, बिल्कुल मेरे से नहीं सही जा रही है, गर्मी इतनी ज्यादा है क्या बताऊं भाई। और ये उसने उस रैप वाले ने स्कैम कर दिया मेरे साथ, वो स्टिकर वाला जो था मेरा पीछे, ये देखो ये सारे मेरे 50% टिंट है, ये इसने 30% चढ़ा के मेरे को कह रहा है तुम्हारा टिंट बेकार है जहां से करवाया था तुमने, और ये चलान वाला लग रहा है, चलान का टेंशन है ही नहीं हमें। बोलू बहुत गुस्सा हो गया मेरे ऊपर, देखो कैसे बैठा है। हाय ब्रो, यहाँ से बहुत मारूंगा, पिछले 2 घंटे से बाहर बैठा भाई, वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूँ, 1 घंटा लेट हुआ हूँ बस, ठीक है। तो थोड़ा सा सैचुरेट कर दिया मैंने, देख रहा है एक बार, ये देखो टेम्परेचर कितना। गलत दिखा रहा, जरा फोन फेंक दे, 41 डिग्री सेल्सियस है। ले हाँ सही, तो मैं बोल रहा हूँ तेरा फोन गलत कर रहा था वो, तो इतनी गर्मी में सोचो गाइस, इसने मेरे को 1 घंटा बाहर बैठा के रखा, अगर इसने ये पार्ट काटा मैं अपने व्लॉग में डालूंगा, दिक्कत मत। हाँ तो सच तो मैं बताऊंगा, सच का साथ देंगे हम, सब सुनते ही नहीं। इतने दिन के वेट के बाद मेरे को लग रहा था गाड़ी होएगी नहीं, हो नहीं पाएगी, पर फाइनली भगवान की दया से गाड़ी का काम शुरू हो गया है। ये रहा बोलू, ये रहे दोनों भाई, गाड़ी का काम चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ आज फाइनल हो जाए तो मज़ा आ जाए इसमें बहुत। अभी इस पर एक प्रोजेक्ट की तरह ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें अभी बहुत काम बाकी है और इसको पूरा मिनी कूपर बनाने के लिए इसको ज़रूरी है अभी, मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी, जैसे एलॉय ले रहे हैं, लाइटिंग वगैरह लाइटें फिर आ रही है, जुगाड़ के लिए तो वो स्टिकरिंग कर दी है मैंने, बाकी लाइटिंग से वो कह रहा हूँ जो जैसे मिनी कूपर में पीछे होते हैं, जैसे वो अमेरिका या किसको फ्लैग बना रहता ना, जैसे फ्लैग सब वैसे ही फ्लैग उस डिज़ाइन में आती है एक लाइटें, वो लाइट यूके की लाइट, तो उसमें क्या है उसमें पूरे झंडा जैसा होगा, लाइट ही होगी वो पीछे, वो वाली तुम क्या कहते हैं मिनी कूपर पे पहले से लगा लगाई जाती है, बाकी माइक्रो क्रीम मिल जाते हैं मैंने पता तो करा है, पर अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसलिए लगा नहीं पा रहा, अवेलेबल हो जाएंगी तो वो भी लगवा लूँगा अभी फिलहाल। तो भाई देखो एक चीज़ की डिबेट चल रही है हमारे बीच में, ये कह रहा है कि इसे मिनी कूपर जैसी बनानी है, मैं कह रहा हूँ कि गैंगस्टर, इसको गैंगस्टर माइक्रा बनाते हैं हम लोग, अब आप बताओ कि क्या बनानी चाहिए। पोल डाल दूंगा, पोल में डिस्कस कर लेना गाइस, आप बताओ भाई। मिनी कूपर एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3, ज़्यादा मज़ेदार है, अपन लोग गैंगस्टर गाड़ी। भाई देख जैसा बनाएंगे प्यार से बनाएंगे गाड़ी, कुछ भी बनाया जाए, मिनी कूपर बनाए चाहे गैंगस्टर में बढ़िया प्यार से बनेगा ना, गाड़ी तो प्यार है। हाँ भाई अभी काम तो चल ही रहा है हमारा, ये देखो ऊपर से ब्लैक हो रही है, भोलू तैयार है जाने के लिए घर। भाई घर जा रहा है? हाँ यार घर जाना पड़ेगा, मम्मा बुला रही है। फिर नानी का फोन आ गया ना, नानी का फोन नहीं आता मैं नहीं जाता यार, पता है शाम को आएगा। हाँ शाम को मिलते हैं। हाँ तो बस, तो फिर शाम को जब तक डन हो जाएगा थोड़ा देखते हैं। अब भोलू डूइंग ग्रेट भाई। तो गाइस मैं आपको दिखाता रहूँगा, भोलू जा रहा है तो बात में मैं हूँ आपके साथ। अभी लगभग 3 बज गए, 3:50 हो गए और अभी तक काम डन हुआ नहीं है और छत ही छत हुआ है, ये देखो। लग तो आ रही है अभी से ही,
वैसे एक बार डुअल टोन में हो जाए फिर तो क्या बवाल लगेगी। छत तो लगभग डन हो ही गया है। ये जो हल्के हल्के स्क्रैच दिख रहे हैं इनको भी स्टिकर से पूरा कवर कर देंगे। तो क्या है रबिंग पॉलिशिंग करा के इनको भी हटा दूंगा, स्टिकर छोड़ो। बट पीछे से बिल्कुल जहर लग रही है। एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही है। ये देखो। सो गाइस, जैसे कि देखा आप सबने, छत पूरा रैप करवा लिया हमने। इस मैं तो ऐसे गया था कि मतलब ये ख्याल लेके गया था कि मतलब डुअल टोन में गाड़ी रैप करवा दूंगा, पर उससे क्या हुआ ना, मैं एक बार देखना चाहता था कि छत रैप करा के सिर्फ छत और पीछे का स्पॉइलर भी कि कैसा लगता है। बाकी मैं यही सोच रहा था अगर छत और स्पॉइलर करा के अच्छे लगे तो यार खामखा आधी गाड़ी रैप करवाने का कोई फायदा नहीं, मतलब ही नहीं बनता ना। अगर नहीं आए तो दो चार दिन चलाऊंगा, अगर मजा नहीं आया तो पूरी आधी गाड़ी रैप करवा देंगे, नहीं तो मैं तो सोच रहा हूँ पूरी गाड़ी रैप करा दो फुल। पर अभी बहुत सारे प्लान है इस गाड़ी को लेकर, मेरे को पूरा इसको मिनी कूपर बना दूंगा जहां तक है। मैं पूरा अपना वो लगा रहा हूँ, क्या कहते हैं, पूरी अपनी क्रिएटिविटी लगा रहा हूँ इस गाड़ी में, जो जो करवा सकता हूँ मैं अपनी क्रिएटिविटी से। भाई मानोगे नहीं इतनी ज्यादा गर्मी है आज। मैं तो भाई मतलब क्या कहते हैं ना, बिल्कुल पक गया गर्मी से। मेरे को गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो गर्मी हो रही है ना, मानोगे नहीं कम से कम 40 डिग्री ऊपर का टेम्परेचर है। मैं सुबह जब आया था 12 बजे करीब, 12 साढ़े 12 करीब, तब 41-42 डिग्री सेल्सियस कुछ था। अब देख लो अभी अभी क्या हो गया होगा, अभी तो ध्यान नहीं है इतना। कमेंट में बताना जरूर ऐसी लगी गाड़ी और क्या क्या करवाना चाहिए। आप सेशन दोगे तो बढ़िया ही लगेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।